थैंक यू फॉर कमिंग आर ऑर्गेनाइजेशन तिप्रा इज डिमांडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा कि अगले एक हफ्ते के अंदर अगर एक्शन नहीं लिया गया अगेंस्ट द मर्डरर्स ऑफ विश्वजीत देवबर्मा जिनको बेरहमी से आइडेंटिफाई करके उनके एथनिक बैकग्राउंड को आइडेंटिफाई करके उनको मारा गया था, अगर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने 7 दिन के अंदर अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया कंक्रीट एक्शन अगेंस्ट मर्डरर्स ऑफ विश्वजीत देवबर्मा और जिन्होंने सेक्शन 144 तोड़कर लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा है, वीडियो एविडेंस पूरा पब्लिक डोमेन में है, अगर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने एक हफ्ते के अंदर एक्शन नहीं लिया तो तिप्रा मोथा जो मेरा संगठन है वो एक नया कॉस ऑफ एक्शन लेगा जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को आंसर और जवाब देना पड़ेगा कि त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर को कोई मानने वाला है कि नहीं। आज त्रिपुरा में कोई सेफ नहीं है, अगर ऐसे वीडियो में आदमी को मारा जाएगा, कैमरा में उसका किसी का मर्डर आप शूट करेंगे, उसके बाद जब सबका शक्ल क्लियरली मालूम है किसने क्या किया है, उसके बाद भी अगर आदमी आराम से घूम रहा है इसका मतलब है कि कानून को कोई मानने वाला यहाँ में नहीं है। तो अगले एक हफ्ते के अंदर त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो तिप्रा मोथा अपने दम में एक नया आंदोलन स्टार्ट कर देगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं तब अपने ऑर्गेनाइजेशन जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन पूरा त्रिपुरा में है मैं उनको बोलूँगा कि आप एजिटेशन शुरू कर दीजिए और ये एजिटेशन ऐसा एजिटेशन होगा कि सब लोग को भी समझना चाहिए कि 2020 में आप किसी को उसके कम्युनिटी के नाम में उसके लुक्स के आधार में आप मार नहीं सकते, पुलिस को कार्रवाई करना ही पड़ेगा एंड वी डिमांड एक्शन विद इन 7 डेज। अभी ऑलरेडी एक हफ्ता हो गया है जब से उनका मर्डर हुआ है, हम चुप रहे हैं, हम जानते थे कि कंचनपुर में सिचुएशन टेंस है इसके लिए हमने ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन अब क्योंकि उनका भी आंदोलन विड्रॉ हो चुका है, जिसने मर्डर किया है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सेकेंड, तिप्रा मोथा ने 50,000 रुपीज़ उसके फैमिली को दिया था, कल उनका श्राद्ध है, कल तिप्रा मोथा फिर से जाएगा और वहाँ में एडिशनल फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन उनको देंगे उनके फैमिली को। बहुत पॉलिटिकल पार्टीज ने जाकर वहाँ में फ़ोटो अपॉर्चुनिटी लिया है लेकिन किसी ने अपने पॉकेट से 1 रुपया नहीं दिया। सब लोग डिमांड करते कॉम्पनसेशन, अपने पॉकेट से कोई 1 रुपया नहीं दे सकता। ये नाटक बहुत हो चुका है त्रिपुरा में, ऐसा नाटक मैं मानने वाला नहीं हूँ। अगर आपका दिल है, अगर आपका दिल तिप्रासा है और आपको अगर तिप्रासा को मदद करना है तो आप अपने पॉकेट से कुछ रुपया रखिए, ना कि हमेशा आके गवर्नमेंट से डिमांड कीजिए। तिप्रा मोथा ने पहले से 50,000 दिया है, कल तिप्रा मोथा जाकर और एक 50,000 रुपीज का चेक देकर आएगा, इसके मतलब है कि अब तक 1 लाख हम देंगे लेकिन रुपये से कुछ नहीं होगा। अगर मर्डरर्स को त्रिपुरा में ओपनली घूमने का एक परमिशन दिया जाएगा तो ये बहुत खराब एग्जाम्पल है। आज एक विश्वजीत देवबर्मा मरा है और अगर ऐसे लोग जिसने एक आदमी को खुलेआम कातिल किया है अगर उसके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हुआ तो ये लोग कल जाकर फिर किसी और को मारेंगे। अगर आपको त्रिपुरा में शांति चाहिए तो शांति के लिए कानून को अपना काम करना चाहिए, त्रिपुरा गवर्नमेंट को आंसर जवाब देना पड़ेगा। ऑपोजिशन का काम है चिल्लाने का, गवर्नमेंट का काम है काम करने का, दोनों में हम ना कि ऑपोजिशन के साथ है ना कि गवर्नमेंट के साथ है, हम चाहते हैं कि एक्शन दिखाया जाए। ये मेरा स्टेटमेंट है, 1 week's नोटिस हैज बीन गिवन टू द गवर्नमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। चाहता हूँ त्रिपुरा गवर्नमेंट का रूल्स एंड गाइडलाइंस होता है, जो ऑनलाइन ऑफ ड्यूटी जब मारा जाता है उसका एक पूरा क्लियर गाइडलाइन होता है, वो त्रिपुरा गवर्नमेंट जानती है। लेकिन कल मैं किसी को मार दूँ
और तब मैं जाकर बोलूँ कि मैं आपके बेटे को नौकरी दे दूँगा तो वो हो जाएगा? नहीं, कानून तोड़ा गया है, उसका अरेस्ट होना चाहिए जिसने मारा, उसका पूरा वीडियो भी हमने देखा है। तो अभी हुई नहीं, ये साल तो होगा भी नहीं इस चुनाव, और मेरा आंदोलन आप देखेंगे मेरा आंदोलन कैसा होगा। हमने कभी कानून तोड़ा नहीं है, ठीक है, मेरे नाम में बहुत लोग कानून तोड़ने का नाम का क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आज तक मैंने कानून पब्लिकली मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है जो कानून टूटा जाएगा। जो आपने लास्ट ईयर भी मेरे खिलाफ़ कहा कि जो बंद हुआ CAA के टाइम, उसमें मैं शामिल भी नहीं था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन मेरा जो रैली हुआ, 50,000 पीपल लोग आए कुमलो माधोबारी में, किसी ने किसी को अटैक नहीं किया। हमारा आंदोलन में कभी वायलेंस नहीं होता, और मैं जो करूँगा वो आपको बता के करूँगा। आप देखिए, मैं पहले एक हफ्ते का समय दे रहा हूँ गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए। आई थिंक दैट सबको मालूम होना चाहिए कब इलेक्शन होना चाहिए। मैं पताल के खिलाफ क्यों बोलूँगा? आई सपोर्ट पताल, जो कोर्ट गई है ठीक है, वो पताल का राइट है और सबको मालूम होना चाहिए। सबसे अच्छा क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा आकर सबको बोल दे कि देखिए कोरोना चल रहा है तो 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद एक बार अगर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बोल दे तो सब क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो पाताल कोर्ट गई, उसका राइट है और मैं पाताल को सपोर्ट करता हूँ, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम। आई नो हु आर द पीपल हु हैव लिंच्ड विश्वजीत देव वर्मा इन इट्स इन कैमरा एंड नॉट अ सिंगल अरेस्ट हैज बीन टेकन प्लेस। माई आई वॉन्ट टू नो इज द लॉ गोइंग टू जस्ट लुक असाइड while murderers roam around freely? These people need to be arrested and put behind jail and action should be taken. If they are not, then today Biswajit Deb Barma has died. Tomorrow, what message are you sending? That you can kill anyone in a middle of an agitation in front of a camera and no government will not arrest you? Is this a law of the land? I am not satisfied. I want action to be taken, I want these people to be arrested. Not only that, section 144 was broken. There's a man who's in camera saying that I'm from this area, this address, this my father's name is so and so. I can see it in YouTube. Over 1 lakh people have seen it in YouTube or in Facebook. Why hasn't any action been taken against him? Why hasn't the investigation officer gone and picked him up? Is the law going to be the same for him and different for me? It cannot be. Basically, the house is burned. तो आप इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने अगर गलती किया तो जो नागरिक सुरक्षा मंच के लोग ने जो तोड़फोड़ किया है उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा? गवर्नमेंट को यहाँ चिल्लाएंगे? गलती दो जगह से हुआ है, गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से नहीं किया और ये जो आंदोलन है उन्होंने तोड़फोड़ की है। गवर्नमेंट को तो आप लोग वोट नहीं करेंगे, लेकिन जिसने तोड़फोड़ किया उसके लिए कानून नहीं है क्या? उसके लिए भी कानून होना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट को आप ब्लेम करेंगे? गवर्नमेंट तो है ही गलती, गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, लेकिन जो नागरिक सुरक्षा मंच ने जो तोड़फोड़ किया है, जिस एक विश्वजीत देव वर्मा, आप बोलना चाहते हैं कि नागरिक सुरक्षा मंच के लोगों ने नहीं, गवर्नमेंट ने विश्वजीत देव वर्मा को मारा? किसने मारा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और दूसरा बात, वन मोर पॉइंट, सबको मालूम है कि ये जो आंदोलन हुआ उसमें बीजेपी के मंडल प्रेसिडेंट भी थे, जनरल सेक्रेटरी भी थे, कांग्रेस के मेंबर्स भी थे, CPM के ऑफिस पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स भी थे। तो ये जो हुआ इसमें हर पार्टी जो बोलता है कि हम आप विश्वजीत देव वर्मा के संग खड़े हैं, उन सबको अपने ऑफिस बेयरर के संग एक्शन लेना चाहिए। अगर पार्टी अपने ऑफिस बेयरर के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती है तो गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी? इसमें CPM के लोग इन्वॉल्व थे, इसमें कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व थे, इसमें BJP के लोग इन्वॉल्व थे, ये क्लियर बात है। प्रॉब्लम बिटवीन द इंडिजिनस ब्रू पीपल, द बंगाली पीपल, द मिजो पीपल, एनीवन हु इज अपोजिंग आवर ब्रू पीपल आर डूइंग इट ईदर बिकॉज देयर इज फेक न्यूज। I have seen it enough. That's why I didn't want to invite some of the media, because you all are champions, not all of you all, but some of you all are champions in writing fake news. Second is that I don't want any conflict between the Bru people, the Bengali people, the Mizo people. This fight is artificial. There is enough land. Same place Kanchanpur mein humne kaha tha ki hum BSF ko rakhenge. Sab log bol raha tha ki BSF ko rakho, bahut acha hoga. तो मतलब कि जमीन का प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ
है कि यहाँ में दो तीन पॉलिटिकल मोटिवेटेड आदमी लोग हैं जिन्होंने इसको इसका फ़ायदा उठाया है. Nobody is unhappy with the settlement of our Bru people in Tripura. There are few people who are trying to create a communal atmosphere. और जब मैंने ब्रू के बारे बोला है, मैंने यहाँ में आप लोग भी बहुत बंगालीज लोग हैं, हमने आपके खिलाफ कभी नहीं बोला, मैंने सिर्फ ब्रू के बारे बोला है. यहाँ में लोग आधा बात को इधर से काट कर उधर से काट कर जोड़ के सिलाई करके ये कहानी बनाना चाहते हैं. लेकिन आई एम टेलिंग यू, त्रिपुरा का इतिहास है. कंचन प्रभा देवी ने 1950 में स्वास्थ्य कमेटी को ज़मीन देकर शरणार्थी को रखा, क्योंकि हम समझ सके कि बांग्लादेश में कितने खराब तरीके से हमारे बंगाली हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को मारा जा रहा था. आज उसी कंचनपुर में, जब इतना जगह है, सिर्फ कंचनपुर नहीं पूरा त्रिपुरा में 6-6 डिस्ट्रिक्ट्स में सेटल किया जा रहा है ब्रू. तो ये कहानी कि सिर्फ कंचनपुर में घुसाया जाएगा, वो सिर्फ मिजो इनहैबिटेड एरिया से घुसाया जाएगा, ये फेक न्यूज़ है. किसने किया? कॉम्युनल प्रॉब्लम से किसको फ़ायदा होता है? ADC इलेक्शन को तो ऐसी की तैसी है, ADC इलेक्शन तो इस साल हो रहा भी नहीं. ये फ़ायदा हो रहा है क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट को एम्बेरस करना चाहते हैं और अपने स्वार्थ के लिए 23 साल से हम लोग ने ये जो फेयर प्राइस शॉप है कंचनपुर में, जिसमें एक BJP का मंडल लीडर है, उसका फेयर प्राइस शॉप पिछले 23 साल से हमारे ब्रू लोगों को राशन दे रहा है. आज वो आंदोलन में जाके प्रॉब्लम करता है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई क्यों नहीं हुआ जा रहा है? मैं जानता हूं कि मेरा फॉर्मर कांग्रेस पार्टी का एक दो लोग है जो ये आंदोलन में प्रॉब्लम, उसका क्या मूल्य है? कोई पढ़ता है कागज? 6-6 डिस्ट्रिक्ट में हमारे ग्रुप को रखा जा रहा है और जब इतना जगह है, जब हम BSF को फायरिंग रेंज के लिए 2700 एकड़ जमीन एक जगह में दे सकते हैं, तो इतना छोटा सा जगह क्यों नहीं दे सकते? ग्रुप तो अपने हैं. नहीं, ये सब पॉलिटिकल. और मैं दूध का दूध पानी का पानी बोलता हूँ. सब लोग बोलते हैं कि कभी मैं गवर्नमेंट के ऊपर सॉफ्ट हूँ, कभी मैं ऑपोजिशन के ऊपर सॉफ्ट हूँ. मेरा कोई अंडरस्टैंडिंग, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है. मेरा अंडरस्टैंडिंग मेरे लोगों के संग, और जब टाइम आएगा तो मैं सबको जवाब भी दूंगा. अपना ब्रू को त्रिपुरा में रहना पड़ेगा, किसी को उखाड़ के नहीं. हम किसी का जमीन नहीं ले रहे, कोई बंगाली फैमिली को अलग नहीं करेंगे, कोई मिजो का जमीन नहीं ले रहे. जहाँ में फॉरेस्ट गवर्नमेंट का लैंड है, वहीं में आइडेंटिफाई करके सबसे बैठकर अंडरस्टैंडिंग करके हम रखना चाहते हैं. और त्रिपुरा का कल्चर है कि जिसको भी, जिसके खिलाफ भी अत्याचार हुआ, हमने उनको जगह पनाह त्रिपुरा में दी. तो आज त्रिपुरा में अपने ही लोगों को पनाह देने में क्या प्रॉब्लम है? दैट वन मैन स्पीक्स फॉर द एंटायर मिजो कम्युनिटी. आई बीन स्पीकिंग टू द साइलो फैमिली, आई बीन स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ माई मिजो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. I have a feeling that they have been misled, and I am again appealing to them that the same people who are blocking the Karimganj Highway mein block karke rakha hai to Mizoram food supply, same people you are joining hands in one part of Tripura. There is no use. Please understand, as long as I am there, not interest, inch of an interest of our Mizo people will be taken away. But they should also understand that in Tripura, they should understand that like we stood with the Mizo people, they should also stand with us. And please understand, we have more interest for their well-being than anybody else in this state of Tripura. Thuggies hai. आप लोग मीडिया को, सब एक मीडिया नहीं होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन उन लोगों को मैं आप ही के थ्रू बोलना चाहता हूँ कि हमने केस फाइल कर दिया है कि कोई भी एक कम्युनिटी को जनरलाइज नहीं कर सकता. मैंने आज तक नहीं कहा कि एवरी बंगाली इज अ बांग्लादेशी. देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ बंगाली एंड अ बांग्लादेशी. देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ क्रिमिनल एंड अ पर्सन हुज कमिटेड अ क्राइम इन अ सर्टन एरिया. आप लोग के एक दो मीडिया लोग ने पूरे हमारे ब्रू ग्रियांग कम्युनिटी को थग्स बोला है, क्रिमिनल बोला है. हमने केस हाई कोर्ट में फाइल कर दिया है, 7 तारीख को उसका हियरिंग है. हमारे संग हमारे लॉयर भी है अरुण देवकर्मा. मीडिया का रोल होता है टू नॉट जनरलाइज द इंटायर कम्युनिटी. अगर
नागा इंसर्जेंट ने, अगर एनएससी ने किसी को अटैक किया तो आप नहीं बोल सकते कि नागा टेररिस्ट, अगर बोडो ने किसी को अटैक किया आप नहीं बोल सकते बोडो टेररिस्ट, अगर कोई लश्कर ए तैयबा ने मारा तो आप नहीं बोल सकते कि मुसलमान टेररिस्ट, अगर किसी ने कहीं में गाय के लिए किसी को मार दिया आप नहीं बोल सकते हिंदू टेररिस्ट। तो आप एक पूरे कम्युनिटी, एक पूरे रियांग कम्युनिटी को क्रिमिनल रेपिस्ट थग्स कैसे बोल सकते। ये चिट्ठी ऑफिशियली एक वो ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी लिखा, न्यूज वेबसाइट से प्रिंट किया। सेंटिमेंट को हर्ट करने में आप लोग चैंपियन हैं, लेकिन आज 7 तारीख को हमने केस फाइल किया है। नेक्स्ट टाइम आप भी 2 बार सोचिए बिफोर राइटिंग अबाउट एन इंटायर कम्युनिटी। जो विश्वजीत देबरवा को मारा वो क्रिमिनल्स मर्डरर्स थे, हमने कभी नहीं कहा बंगालीज थे, क्योंकि बंगालीज में भी 2-3 गलत लोग हो सकते हैं, टिपरासा में भी 3-4 लोग गलत हो सकते हैं, मुसलमान में भी 2-3 लोग गलत हो सकते हैं, हिंदू में भी 2-3 लोग गलत हो सकते हैं, क्रिश्चियंस में भी। आप पूरा कम्युनिटी को बोल देते हैं ये लोग क्रिमिनल्स हैं। इसके लिए मैंने कहा है कि इसको आप हिंदू मुस्लिम तिपरासा बंगाली मिजो मत बनाइए। जिसने क्राइम तोड़ा है, लॉ तोड़ा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।